हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिकल इंजीनियरिंग दोस्त विद कीर्तन जोशी। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में नोटिफिकेशन बेल उसको ऑन करो, जिसकी वजह से केमिकल इंजीनियरिंग का जो भी बेसिक वीडियो है, जो भी बेसिक फंडामेंटल वीडियो है, आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को ऐसे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायरेशन प्रोवाइड करता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी केमिकल से रिलेटेड है, केमिकल कंपनी से रिलेटेड है, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो भी केमिकल ग्रुप से रिलेटेड है, वो सब लोगों का केमिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग जो भी बेसिक फंडामेंटल है, वो सब मैं उसमें क्लियर करवाता रहूंगा। तो आज मैं लेके आया हूँ कॉम्प्रेसर, आज मैं लेके आया हूँ ब्लोअर, आज मैं लेके आया हूँ फैन। ये फैन क्या है, ये ब्लोअर क्या है, ये कॉम्प्रेसर है क्या? व्हाई वी यूटिलाइज फॉर दैट? कब मैं फैन यूटिलाइज करूंगा, कब मैं कॉम्प्रेसर यूटिलाइज करूंगा, कब मैं ब्लोअर यूटिलाइज करूंगा, तो वो सब फंडामेंटल में आज आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। और फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो देखने से पहले फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन, मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन है, फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन के जो भी वीडियो है वो जरूर देखना, क्योंकि जो बेसिक फंडा आपको जब क्लियर होगा तो उसमें आपको थोड़ा मजा आएगा, बराबर। तो मैं वो जो लिंक है मेरे बेसिक वीडियो की, वो भी डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, और आई बटन के ऊपर भी उसको मैं देने वाला हूं। तो प्लीज सी दिस वीडियो बिफोर सीइंग दिस वीडियो, ये वीडियो देखने से पहले वो सब बेसिक वीडियो श्योर देख लेना, जिसकी वजह से आपको सब फंडामेंटली क्लियर हो जाए। तो आज हम जाएंगे इसके ऊपर। अभी आप देखिए, मैं थोड़ा बेसिक आपको क्लियर करवाता हूं, बाद में यहां पे ले जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे जो अर्थ है, वो जो भी केमिकल है, वो तीन फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड को हम फ्लूइड नहीं बोल सकते, लिक्विड और गैसेस को मैं फ्लूइड बोल सकता हूं। तो लिक्विड और गैसेस फ्लूइड में आते हैं। तो फ्लूइड में क्या क्या आता है? लिक्विड और गैस। लिक्विड के रिगार्डिंग जो भी फंडामेंटल है मैंने आपको सब क्लियर करवा दिया था। अब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ गैस के रिगार्डिंग। अगर मेरे को लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो मैं क्या यूटिलाइज करूंगा? पंप। तो पंप के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस है मैंने बना दी है, प्लीज सी दिस। आज मैं बनाने वाला हूं, अगर मेरे को गैस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, गैस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, उसका मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप बाइसिकल लेके निकले, अगर आपके टायर में आपको हवा पूर्णी है, आपको हवा कम है और उसमें हवा लगानी है, तो आप क्या करोगे? बाइसिकल वाले के पास जाओगे, वहां पे क्या करोगे? आप सीधा वहां से हवा बाइसिकल के टायर के अंदर आप फिल अप कर दोगे। तो उसके पास क्या रहता है? कॉम्प्रेसर रहता है। आप सबको पता है कि अगर बाइसिकल में मेरे को हवा फिल अप करनी है तो वाया कॉम्प्रेसर में क्या करूंगा? जो एटमोस्फेयर के एयर है उसको प्रेशराइज करके बाइसिकल के अंदर फिल अप करूंगा, टायर के अंदर फिल अप करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस को मेरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, गैस को मेरे को हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर बनाना है, गैस को मेरे को लो प्रेशर से हाई प्रेशर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो अदरवाइज मैं फैन का यूटिलाइज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं ब्लोअर का यूटिलाइज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं कॉम्प्रेसर का यूटिलाइज कर सकता हूं। तो अगर गैस को मेरे को प्रेशर बनाना है, अदरवाइज एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करना है, तो मैं फैन का यूटिलाइज करूंगा, ब्लोअर का यूटिलाइज करूंगा, कॉम्प्रेसर का यूटिलाइज करूंगा। मेरे पास तीन ऑप्शन है। तो अभी मेरे को वो चूज करना है कि मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूं। तो वो चूज कैसे करना है ये जानने के लिए प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आप अपने घर में आपने फैन देखा ही होगा। फैन क्या करता है? कुछ नहीं करता, वो गोल गोल घूमता है, पीछे से हवा को लेके आप जहां पे हो वहां पे वो ट्रांसफर करता है। तो दिस इज कॉल्ड अ फैन। फैन जो हमको हवा ही देता है, हवा देता है, वो लो प्रेशर एयर है, वो हमको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैन सिर्फ प्रेशर नहीं बढ़ाता, फैन सिर्फ क्या करता है? हवा को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे वो ट्रांसफर कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड अ फैन। मीन्स फैन का यूटिलाइज कब है? लो प्रेशर, ज्यादा प्रेशर वो क्रिएट नहीं करता, तो तब हम क्या यूटिलाइज करते हैं? फैन यूटिलाइज करते हैं। तो फैन का यूटिलाइज प्रेशर के लिए नहीं, लेकिन जनरली वेलोसिटी एयर का फ्लो के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, फ्लो ऑफ एयर अदरवाइज अनोदर गैसेस, जो आप उसको यहां से वहां ले जाना चाहते हो।
आपने दूसरा देखा होगा ब्लोअर, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है फैन ब्लोअर और कॉम्प्रेसर में डिफरेंस क्या है। फैन एकदम लो प्रेशर आउटपुट देता है, ब्लोअर मीडियम प्रेशर आउटपुट देता है, कॉम्प्रेसर हाई प्रेशर आउटपुट देता है। अगर आपको हाई प्रेशर चाहिए, आपको 4 kg फोर्स पर सीएम स्क्वायर प्रेशर चाहिए, 5 kg फोर्स पर सीएम स्क्वायर प्रेशर चाहिए, बोल रहा हूं कि 15 kg फोर्स पर सीएम स्क्वायर प्रेशर चाहिए, जितना ज्यादा प्रेशर चाहिए आप क्या यूटिलाइज करोगे, कॉम्प्रेसर यूटिलाइज करेंगे। तो बेसिकली कॉम्प्रेसर हाई प्रेशर के लिए यूटिलाइज होता है, फैन लो प्रेशर के लिए यूटिलाइज होता है, और इन दोनों के बीच में आता है वो ब्लोअर, जो ब्लोअर नहीं फैन नो कॉम्प्रेसर मीडियम प्रेशर के लिए यूटिलाइज होता है। तो अगर आपको इंडस्ट्री में ज्यादा प्रेशर चाहिए तो प्लीज यूटिलाइज कॉम्प्रेसर, आपको इंडस्ट्री में उनसे थोड़ा कम प्रेशर चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, तो आप ब्लोअर का यूटिलाइज कर सकते हो। आपने ब्लोअर भी देखा होगा कि कई जगह पे ब्लोअर है जो क्या करता है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर लेके एयर को एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स गैस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। आपने कॉम्प्रेसर भी देखा है कि अगर मेरे को ज्यादा प्रेशर चाहिए, आप कहीं पे भी सीएनजी के पंप के ऊपर जाइए, आपकी ऑटोमोबाइल, आपकी मारुति सुजुकी कार या कोई भी कार हो, उसमें आपको अगर गैस फिलअप करना है तो आप सीएनजी स्टेशन पे जाओगे तो वो सब कॉम्प्रेसर रखते हैं, क्योंकि वहां 200 PSI प्रेशर है, तो वहां पे ज्यादा प्रेशर चाहिए तो वहां पे कॉम्प्रेसर यूटिलाइज होता है। दूसरा, मैं आपको एक फंडामेंटल क्लियर करवाता हूं कि बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए तो यहाँ पे मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर यूटिलाइज होते हैं। मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर में एक से ज्यादा स्टेज होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, प्रेशर को कंटिन्यू भरा के ज्यादा प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज यूटिलाइज फॉर ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अदरवाइज इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको डिफाइन करने वाला हूं कि अगर सेंट्रीफ्यूगल कॉम्प्रेसर है तो कॉम्प्रेसर भी पंप के जैसे ही टाइप है, भाई सिंपल है, फैन को छोड़ दो और हम बात करेंगे ब्लोअर और कॉम्प्रेसर की, तो कॉम्प्रेसर में भी ऐसा ही है, सेंट्रीफ्यूगल कॉम्प्रेसर आएगा, फिर रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर आएगा, ब्लोअर में भी ऐसा आएगा, सेंट्रीफ्यूगल आएगा, रेसिप्रोकेटिंग आएगा। तो पंप और कॉम्प्रेसर में डिफरेंस क्या है, दोनों का नाम तो सेंट्रीफ्यूगल ही है, दोनों का मैकेनिज्म भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंप एंड कॉम्प्रेसर, तो वो सब फंडामेंटली मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब क्लियर करवाऊंगा कि पंप में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्रेसर में डिफरेंस क्या है। दोनों का बेसिक सेम है, लेकिन उसकी जो डिजाइन है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या है और वो डिफरेंस हम क्यों रखते हैं, वो सब फंडामेंटल में आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा डिफरेंस बिटवीन पंप एंड कॉम्प्रेसर, तो उसमें मैं आपको सब क्लियर करवा के दूंगा, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई पंप में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्रेसर में डिफरेंस क्या है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू अपग्रेड योर नॉलेज विथ मी। थैंक यू फ्रेंड्स।